साहिबे कलम, साहिबे दीवान, अच्छी शायरी, सच्ची शायरी और बड़ी शायरी के हवाले से पूरे मुल्क भर में उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। मैं एक बात बताता चलूं कि खूब ढूंढा तो फकत एक निशानी निकली, ये उनका शेर है, आप देख अंदाजा लगा सकते हैं। खूब ढूंढा तो फकत एक निशानी निकली, मेरी बुक में तेरी तस्वीर पुरानी निकली, जिसको मालूम न था प्यार मोहब्बत क्या है, वो भी पगली मेरी बचपन की दीवानी निकली। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कर ले शेर के खालिक का नाम है जनाबे जमील अख्तर शफीक, सीतामढ़ी बिहार। कोई बात नहीं, राधिका जी आपको इजाजत नहीं है कि आप जाएं, आपने छुट्टी नहीं ली है, हाँ आपका दाखला काटा भी जा सकता है। चलिए आपने फरम, आपने सिफारिश कर दी तो दे दिया छुट्टी, जाओ। हाय दोस्तों, यकीन जानिए कि हिना साहिबा को इलाहाबाद से वो बाइक कार निकली थी, जबकि मैंने इनको नसीहत की थी कि ऐसा है कि सुबह 4-5 बजे इलाहाबाद से आप गाड़ी पकड़ेंगी तो 12 बजे तक पटना आ जाएंगे, लेकिन ये बाइक कार आई और इनका ड्राइवर पता नहीं गया गोमो झारखंड पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाते घुमाते इनको आते आते अब वक्त हो गया। तो मोहतरमा बैठी हुई हैं, थोड़ा सा सांस ले लें, इंशाल्लाह उनको आपके हवाले हम करेंगे और आप सबको अल्लाह के हवाले करके हम मुशायरा इख्तिताम कर देंगे। जी माइक पर जनाब जमील अख्तर शफीक। अच्छा, सबकी गजल याद करके बैठा है तो बहरहाल जिनका जो काम था वो कर रहे हैं, जिनको जाना था वो जा रहे हैं, जिनको आना है वो आ रहे हैं। रात उस वक्त में है जैसा कि अभी भी साहब ने फरमाया कि भाई जो बहुत दूर से लोग आए इतनी रात में कहाँ जाए। अभी भी साहब के हवाले से एक बात ये कहना चाहता हूँ कि मैं पिछले 15 साल से मुशायरा पढ़ रहा हूँ और जलसे और पता नहीं क्या क्या, मैंने इतना एनर्जेटिक और इतना पावरफुल नाज़िम अपनी आंखों से नहीं देखा, जो रात के इस पहर में भी उसी दीवानगी से, उसी शिद्दत से, उसी इमोशन से नजामत कर रहा है। अनोखे साहब हैं यहाँ पर बैठे हुए मुखिया जी, मुझे लगता है इनका नाम अनोखे साहब नहीं अनोखे साहब होना चाहिए था। बहरहाल सभी हजरात की मौजूदगी को सलाम करता हूँ। कुछ अशार मेरे हिस्से का भी है, वो अपना मैं काम कर लेता हूँ, उसके बाद फिर अपनी जगह लेता हूँ। दिलशाद जख्मी साहब जब बीच में गोया होते हैं तो लगता है कि जैसे किसी फिल्म का वेलन बोल रहा है। बहरहाल चार मिसरे पढ़ता हूं, मुलाहिजा फरमाइए। लगता है जैसे शौके शरारत में आ गए। क्या बात है, सुने दोस्तों। लगता है जैसे शौके शरारत में आ गए। लगता है जैसे शौके शरारत में आ गए। कुछ लोग एक्टर थे हुकूमत में आ गए। क्या कहने, क्या कहने साहब, वाह वाह, अच्छी शायरी सुने, वाह 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 वाह। मैंने एक मरतबा एक प्रोग्राम में कह दिया था, बहुत वो वीडियो वायरल हुई, मैंने कह दिया था इस हिंदुस्तान को दो लोगों ने खराब करके रखा है, एक का नाम टकला है, दूसरे का नाम बेअकला है। तो हमारे बहुत सारे दोस्त नाराज हो गए थे। बारह सुनिएगा कि लगता है जैसे शौके शरारत में आ गए। क्या बात, कुछ लोग एक्टर थे हुकूमत में आ गए, पहले सलाम बाद में गाली बकेंगे लोग, पहले सलाम बाद में गाली बकेंगे लोग, बेवक्त तुम भी यार सियासत में आ गए। क्या कहने भाई, वाह वाह बात है, बहुत अच्छा गाना, जमील भाई जिंदाबाद, वाह पहले सलाम बाद में गाली बकेंगे लोग, क्या बात, बेवक्त तुम भी यार सियासत में आ गए। और चार मिसरा सुनिएगा कि जिसने किसी के प्यार का रखा नहीं भरम, जी जिसने किसी के प्यार का रखा नहीं भरम, समझो कि ऐसे शख्स का किस्सा तमाम है। जिसने किसी के प्यार का रखा नहीं भरम, समझो कि ऐसे शख्स का किस्सा तमाम है। गोली ही मारनी है तो आ सामने से मार, क्या बात है। जिसने किसी के प्यार का रखा नहीं भरम, समझो कि ऐसे शख्स का किस्सा तमाम है। गोली ही मारनी है तो आ सामने से मार, पीछे से वार करना मुनाफिक का काम है। क्या कहने, वाह जमील भाई, क्या उस्तादाना अंदाज है भाई,
पीछे से वार करना मुनाफिक का काम है। और चार मिसरे और सुनिएगा कि ये जो इंसानों का सैलाब उमड़ आया है, ये जो इंसान का सैलाब उमड़ आया है, हिंदुस्तान में जो मॉब लिंचिंग देखी है, इंसानियत का खून देखा है, जिंदगी को सड़कों पे तड़पते हुए देखा है, लाशों की जो सियासत देखी है, मैं अक्सर बेशतर एक बात कहता हूँ साहब, इसको इन्वर्टेड कॉमा करके नोट कीजिएगा कि जज्बों के कलम से, एहसासात के शबनम में नहाए हुए कलम से नीम की पत्तियों पे लफ्ज़े मोहब्बत लिखने का नाम शायरी है। बात है भाई, वाह क्या लफ्जों से खेल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वाह। ये जो इंसानों का सैलाब उमड़ आया है, इसको पागल का कोई शोर न समझा जाए। ये जो इंसानों का सैलाब उमड़ आया है, इसको पागल का कोई शोर न समझा जाए। जानते हम भी हैं हथियार चलाने का हुनर, हम अगर चुप है तो कमजोर न समझा जाए। क्या कहने, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या कहने। दोबारा दोबारा पढ़ दे भाई जमील भाई। ये जो इंसानों का सैलाब उमड़ आया है, इसको पागल का कोई शोर न समझा जाए। जानते हम भी हैं हथियार चलाने का हुनर, हम अगर चुप हैं तो कमजोर जोर न समझा जाए। सुनिएगा कि चार मिसरा और दोस्तों सुनाता हूं कि खुदा के रास्ते में दिल से जो कुर्बान होता है, क्या कहने साहब, खुदा के रास्ते में दिल से जो कुर्बान होता है, फरिश्तों की निगाहों में वही निशान होता है। मदारिस के फारिगीन बैठे हुए उलमाए कराम की एक जमात भी मौजूद है, पढ़ता हूं सुनिएगा कि खुदा के रास्ते में दिल से जो कुर्बान होता है, फरिश्तों की निगाहों में वही निशान होता है। उसे गुमराह कोई कर नहीं सकता है दुनिया में, कि जिसके हाथ में अल्लाह का कुरान होता है। क्या कहने, क्या कहने साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उसे गुमराह कोई कर नहीं सकता है दुनिया में, कि जिसके हाथ में अल्लाह का कुरान होता है। और एक तजर्बे की बात बताता हूँ सुनिएगा, कि जिसके हाथ में अल्लाह का कुरान होता है, अगर हो सामने दुश्मन तो तन जाना भी है लाजिम। क्या बात, अगर हो सामने दुश्मन के, जिसके हाथ में अल्लाह का कुरान होता है, अगर हो सामने दुश्मन तो तन जाना भी है लाजिम। हमेशा झुक के मिलने से बहुत नुकसान होता है। वाह 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 वाह, हमेशा झुक के मिलने से बहुत नुकसान होता है। और चार मिसरे पढ़ता हूँ, ऐसा फरमाइएगा। हम मुसलमान हैं ईमान न जाने देंगे। तरन्नुम में कुछ पढ़ता हूँ जी, हम मुसलमान हैं ईमान न जाने। हम मुसलमान हैं ईमान न जाने देंगे। हमारे समस्तीपुर फाजीपुर से हमारे दोस्त आए इनकलाब अखबार के, ये सहाफी जनाब सरफराज साहब, इनका भी इस्तकबाल है। ये सारे खबर को ये कवरेज करेंगे, बड़े शरीफ आदमी हैं, इनके नाम पे भी एक मर्तबा ताली आप लगा दीजिए। जी जी माशाल्लाह, पढ़ता हूँ। हम मुसलमान हैं ईमान न जाने देंगे, जैसी भारत की है पहचान न जाने देंगे। इतनी सर कटा देंगे मगर शान न जाने देंगे, सर कटा देंगे मगर शान न जाने देंगे। हजरत एक मशवरा पेश करता हूँ, चार मिसरा। जिंदगी दौड़ रही है, हम लाशों से निकल आए हैं, लेकिन कोरोना और दीगर मौके पर मरने वाले इंसानों की लाशों के मंजर अगर आप भूल गए तो समझ लीजिए कि आपके दिल में इंसान का दिल नहीं, किसी पत्थर का कलेजा बैठा हुआ। चार दूसरे पढ़ता हूं, मुलाहिजा फरमाइएगा। गिरने लगे हैं लोग उन्हें बढ़ के संभालो, उन्हें बढ़ के संभालो। अब कौम के हर फर्द से डर खौफ निकालो, अब कौम के हर
فرد سے ڈر خوف نکالو، قانون بھی بھارت کا یہی کہتا ہے تم سے، قانون بھی بھارت کا یہی کہتا ہے تم سے، ہو موت اگر سر پہ تو ہتھیار اٹھا لو، ہو موت اگر سر پہ تو ہتھیار اٹھا لو۔ ایک بڑی احساسات کے شبنم میں بھیگی ہوئی ہے غزل، میں چاہتا ہوں دو تین دن پہلے یہ غزل ہوئی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ بس یہیں سے اس کا اوپننگ کر دوں۔ ملاحظہ فرمائیے جی ارشاد عظیم، کلاسیکل لہجے میں کوئی پڑھتا ہوں، مجھے لگے گا کہ یہ غزل پوری پڑھنی چاہیے تو پوری پڑھوں گا، ورنہ دو تین شعر پڑھ کے بیٹھ جاؤں گا۔ ملاحظہ جی آتا، موسم وصل میں، موسم وصل میں، موسم وصل میں بھی ہجر کی ماری راتیں، موسم وصل یہ ہے غزل، یہ ہے غزل، یہ ہے غزل، موسم وصل میں بھی ہجر کی ماری راتیں، کس قدر درد میں، کس قدر درد میں ڈوبی ہے ہماری، اس غزل کی تلاش تھی، کیا کہنے صاحب، واہ واہ جو سیتا مڑی سے آئیے چل کے، واہ واہ کس قدر، بھائی زوردار تالیوں سے مطلب کا استقبال کریں، واہ واہ واہ، یہ ہمارے بغیر نابینا ہو کے بھی جو اتنی انرجی پیش کر رہے ہیں اس وقت تک، آپ آنکھ والے ایک مرتبہ ان کے کہنے پہ تو تائی لگا ہی سکتے ہیں، یہ آپ کے مہمان ہیں۔ بہرحال ہو سکتا ہے ٹھنڈی کی وجہ سے یہ تالیاں کمزور ہو گئی ہوں، اگر آپ غور سے سن لیں، مطلب پڑھیے محترم، بہت ہی خوبصورت غزل چھیڑی ہے آپ نے، موسم وصل میں بھی ہجر کی ماری راتیں، موسم وصل میں، موسم وصل میں بھی ہجر کی ماری راتیں، کس قدر درد میں ڈوبی ہے ہماری راتیں، ہماری راتیں، واقعی صحیح وقت پہ غزل چھیڑی ہے، واہ واہ واہ۔ اور یہ شعر سنیے گا دلشان صاحب کے سامنے، ملاحظہ فرمائیں ارشاد عظیم، اس کے ہونٹوں کی تمازت وہ گلابی چہرہ، اے ہائے ہائے، اس کے ہونٹوں کی، اس کے ہونٹوں کی تمازت وہ گلابی چہرہ، کیسے بھولے گا، کیسے بھولے گا کوئی ساتھ گزاری، کوئی ساتھ گزاری، موسم وصل بیٹھ جاؤ، اب ہو رہی ہے بیٹھ جاؤ، ابھی بھی سب یہ شعر سنیے، موسم وصل میں پوچھنا یہ تھا میری یاد اگر آتی ہے، پوچھنا یہ تھا میری یاد اگر آتی ہے، پوچھنا یہ تھا، پوچھنا یہ تھا اگر یاد میری آتی ہے، کیسے کٹتی ہے، کیسے کٹتی ہے بتاؤ نا تمہاری راتیں، کیسے کٹتی ہے بتاؤ نا تمہاری راتیں،
बहुत अच्छा सुन रहे और मुझे लगता है कि अब गजल सुनने वाले बैठे हुए, बाकी लोग जिनको जाना था वो चले गए, जाने वालों पे कोई अफसोस नहीं है, बैठने वालों पे रश हो रहा है। आपकी खूबसूरत समातों को सलाम, सरजमीन पर चकनसीर की सरजमीन की पूरी मिट्टी और इसके जर्रे जर्रे को सलाम, इस मुशायरे को सलाम और सारे इंतजामिया को सलाम। मुलाहिजा फरमाइए। मौसम वसेल में भी हिजर की मारी रातें किस कदर दर्द में, हद तो ये है कि तेरा नाम तलक ले लेकर, हद तो ये है कि हद तो ये रहती है बेबाक बेचारी, अरे वाह, बिहार में पैदा हुई गजल तुझे सलाम खुदा की कसम, वाह 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 वाह। ये साहब आए हैं, ये गजल क्या कहने से, अगर समझ सके तो देखिए क्या है, करीब से देखिए। अब के बरसात में गर झूम, अच्छी गजल भाई वाह। दरअसल वो मौसम वसेल में भी हिजर की मारी रातें सुनिएगा। मैं समझता हूँ कि अगर इस शेर पर दिलशाद जख्मी साहब ना चीखे तो मैं नहीं समझूंगा कि वो वाकईतन वो जख्मी हुए। सुनाइए। जी 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 जी, नाया मौसम वसेल में भी हिजर की मारी रातें, दौलत हुसैन मयसर हो जिसे वो आए आए आए, दौलत हुसैन मयसर हो जिसे वो आए, क्या बात है, वो आए का जवाब नहीं, आए 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 वो आए। क्या कहने जमील साहब, दौलत हुसैन मयस्सर हो जिसे आए, दौलत हुसैन मयस्सर हो जिसे वो आए, खाक समझेंगी खाक समझेंगी मेरा दर्द भिखारी। उधर इधर जमील भाई लीजिए लीजिए, आप पता ये देखिए मेरे दोस्तों, फनकार अगर सच्चा हो तो अच्छी शायरी। जिया भाई भाई, जोरदार तालियों से इस्तेमाल कर, वाह 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 यार वाह वाह, गजल छेड़े हो भाई जमील, अरे जमील भाई जिंदाबाद, 100 साल जियो भाई, 100 साल जियो, मेरे बस में नहीं नहीं तो कयामत तक कह देता भैया, वाह 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 वाह। फिर पढ़ो यार, अभी जब दिलशाद जख्मी साहब पकड़ के अपने खास अंदाज में दबा के जब दांत दे रहे थे तो मुझे लगा कि ऐसी नहीं कि मेरे दाएं साइड की पसली बाएं साइड पहुंचे और बाएं साइड की पसली दाएं, बार बार उनके जज्बे को सलाम करता हूं। हासिले गजल, हासिले गजल शेर साहब पढ़िए। मौसम वसेल में भी हिजर की मारी रातें, दौलत हुसैन जिसे, हाँ हाँ दौलत हुसैन मयसर हो जिसे वो आए, खाक समझेंगी खाक समझेंगी मेरा दर्द भिखारी रातें, मौसम वसेल मुखिया जी क्या मुशायरा कराया है भाई, जिंदाबाद भाई, मुशायरा भी अनूठा ही हो गया यार, कसम खुदा की अनूठे मुखिया की। मौसम वसेल में भी हिजर की मारी रातें, मौसम वसेल
अवश्य। और ये शेर भी सुनिएगा इसी खूबसूरत समाज के साथ। बुलाया जाता है कैसी होती है, कैसे होती है, कैसी होती है शबे हिजर ये मुझसे पूछो, कैसे होती है शबे हिजर ये मुझसे पूछो, कैसी होती है शबे हिजर ये मुझसे पूछो, क्या बताएगी क्या बताएगी तुम्हें वसे बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत अता कर। दिल ये करता है किसी रोज मैं चल कर देखूं, दिल ये करता है किसी रोज मैं चल कर देखूं। मुशायरे को मैं अपने हिसाब से इसलिए कामयाब समझ रहा हूँ कि आपने ये पूरी गजल सुन ली बहुत संजीदगी के साथ। ये बहुत गनीमत जी, मेरा बहुत बुलंद है। मुझे कभी कभी इस गजल को पढ़ते हुए सोचता हूँ कि पता नहीं मैं क्या पढ़ रहा हूँ। अगर मैं यूरोप में होता और मुझे पता लगता कि इतनी अच्छी गजल हो रही है तो जबरदस्ती वीजा करवा के मैं इस गजल को सुनने के लिए आया। वाकई सुनिए, मौसम बसे दिल ये करता है किसी रोज मैं चल कर शहर की प्यारी रातें, कैसी होती है तेरे शहर की प्यारी रातें, तबीयत खुश हो गई भाई, तबीयत में शाद आ गई भाई। और मक्ते का शहर भी इसी खूबसूरती से दिल शाद हो गया, दिल शाद हो गया, मौसम बसे शाद हो गया। जिस तरह तुझे पे मुसल्लत है कोई खौफ शफी, मक्ता सुने दोस्तों, मक्ता सुनिएगा, ये जेना है। जिस तरह तुझे पे मुसल्लत है कोई खौफ शफी, जिस तरह तुझे पे मुसल्लत है कोई खौफ शफी, ऐसी होती है, ऐसी होती है मेरे दोस्त कवारी रातें, कवारी रातें, कवारी दोस्त कवारी रातें। इस गजल में भिखारी और कवारी रातों का दो मेरे कवारी रात मौसम बसे। हजरत ये गजल थी जो आपने सुन ली तो आपने मेरे ऊपर मेहरबानी की, और अगर आप इस गजल को नहीं सुन पाते तो अपना नुकसान प्राप्त करते। 10 साल के बाद आपकी ये नस्ल समझती कि जमील अख्तर शफीक क्या पढ़ के गया था। बहरहाल ऐसे अशआर में पढ़ता हूँ जिसको आप बराह रास्त समझ ले, दो तीन शेर पढ़ता हूँ उसके बाद फिर मैं अपनी जगह लेता हूँ। मुलाजा हिनायत 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 डर मुझे भी लगता है हाल दिल सुनाने में, हाल दिल सुनाने में डर मुझे भी लगता है हाल दिल सुनाने में, हाल दिल सुनाने में डर मुझे भी लगता है हाल दिल सुनाने में, डर मुझे भी लगता है हाल दिल सुनाने में, लोग गम लोग गम लोग गम लोग गम के मारे हैं इस कदर जमाने में, इस कदर जमाने में। और ये शेर सुनना मैं कहता हूँ कि इस रूए जमीन पर समाज में अगर कोई सबसे मजलूम मखूर अगर कोई तपता है तो शायद वो बूढ़े माँ बाप है।
अगर बूढ़े माँ बाप की पेशानी पर उभरने वाली शिकने और रात की तन्हाई में उनकी आंख से दर्द की शिद्दत से छलकने वाले आंसू को अगर कोई बेटा समझ ले तो शायद पूरी जिंदगी उनका पैर दबाता रहे, कहीं अलग न हो ये मेरा दिल कहता है। रात की इस तन्हाई में पढ़ता हूँ, कबूलियत का वक्त है, शायद रब ताला किसी बेटे के कलेजे के अंदर बाप की मोहब्बत पैदा कर दे तो शायद जमील अख्तर चफीक की ये रियाजत और इबादत कबूल हो जाएगी। मुलाजा फरमाइए, हाल दिल सुनाने में डर मुझे भी लगता है, हाल दिल सुनाने में आजकल का हर बेटा काश ये समझ लेता, काश ये समझ आजकल का हर बेटा काश ये समझ लेता, काश ये समझ लेता खून सूख जाता है, खून सूख जाता है बाप का जमाने ये है आसिफ इकबाल उर्फ अनूठे, मुशायरा भी हो गया अनोखा अनूठे मुखिया जी का भाई। वाह वाह जमील भाई, मेयारी शेर सुनाया भैया। ये मुखिया जी का हार हमारे गले में अटक गया था। जी जी अब आ गए। जब मोहब्बत शदीद हो तो बूटी बहुत मजबूत हो तो हलक ले जाकर के हम अक्सर अटक जाया करते हैं, लिहाजा मोहब्बत में ये शिद्दत उस बूटी की तरह थी इसलिए अटक गई थी, दूसरा हाल ठीक ठाक गया। बारह मुलाजा फरमाइए, डर मुझे भी लगता है हाल दिल सुनाने में आजकल का हर बेटा काश ये समझ लेता खून सूख जाता है, खून सूख जाता है बाप का कमाने में, खून सूख जाता है बाप का कमाने में, क्या मंजर कशी की बाप का कमाने। मेरी माँ और बहनें जहां भी हैं वो अगर सुनते हैं तो उनकी दुआएं चाहता हूं, अगर माँ से बेपनाह मोहब्बत करने वाले बेटे या बेटियां हो तो उनकी भी दुआएं चाहता हूं। मुलाजा फरमाइए, कहा जाता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहां पर सबकी निगाह नहीं पहुंचती है शायद अगर उस मंजर को अपनी आंखों में कैद कर लेता है और लफ्जों का पैरहन लफ्जों का लिबास पहना देता है तो हकीकी शायर वही है। और ये कह सकता हूं कि शायद अगर मैंने उस दर्द को अल्फाज दिया है तो शायद आपको एहसास हो कि शायर कहां कहां से चीजें अक्स करता है। मुलाजा फरमाइएगा एक शेर, शायद मैं ये कह सकता हूं कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ये कहेगा कि अपने माँ के लिए क्या लेके आए हो तो शायद रब की अदालत में ये शेर पेश कर दूंगा। मुलाजा फरमाइए, डर मुझे भी लगता है हाल दिल सुनाने में, हाल दिल सुनाने में जब से मैंने देखा है भूख तक नहीं लगती, जब से मैंने देखा है भूख तक नहीं लगती, जब से लगती हाथ जल गए माँ के, हाथ जल गए माँ के रोटियां बताने, रोटियां पकाने। दोस्तों जनाबे जमील अख्तर शफीक पर आने वाली नई नस्लें पीएचडी भी कर सकती है, मुझे इसका कोई खदशा नहीं और कोई गम नहीं, कोई मलाल नहीं।
कि आप लोगों में से किसी को अच्छा लगे न लगे, मैं पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुशायरे और जलसे की मैंने निजामत की है। मैं कसम खा के कह सकता हूं कि जमील अख्तर शफीक से इस उम्र में, जिस उम्र पे वो है, बड़ी शायरी करते मैंने नहीं देखा किसी। मैं एक बात बताना आपको चाहता हूं, ये वही जमील अख्तर शफीक है। इसके मेयार का अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि इधर मेरे देखिए कलीम जाजिन साहब, जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं और शायर भी है, मुजावर माले गांव है, बेखुद हो रहे थे। यकीन जानिए, इन्होंने एक शेर कहा था कि जरा सी चूक पे सारी रिवायत छीन लेती है, नई तहजीब बच्चों से शराफत छीन लेती है, और मिले खैरात में ओहदा तो फौरन दौड़ मत जाना, यही एक भूल कायद से कयादत छीन लेती है। इस शेर को पैदा करता है जमील। आपको मैं बताता चलूं, ये वही जमील है जिन्होंने कभी ये कहा था कि बुरे दिन हो तो किसको लंग तरानी याद आती है, बहुत रोते हैं बूढ़े जब जवानी याद आती है। अरे किसी की बेबसी पे तंज करना छोड़ दे नादा, मुसीबत खुद पे पड़ती है तो नानी याद आती है। मैं सुबह कर सकता हूं जमील अख्तर की शायरी सुना के। इस उम्र के अंदर 25,000 शेर कहे हैं। हुकूमत बिहार ने उनकी किताब को मंजूरी दी, मंजरे आम पे आया। हुकूमत उत्तर प्रदेश ने किताब की मंजूरी दी, वो भी मंजरे आम पे आया। अभी उर्दू कौंसल दिल्ली ने मंजूरी दी, उनकी किताब आ गई। जमील अख्तर की शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं, इस नई नस्ल के लिए एक बहुत बड़ी चीज है। मैं जमील अख्तर शफीक को दिल की अम्मी गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अच्छी शायरी पढ़ के हमारे मुशायरे के मेयार को ऊंचा कर दिया।